मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मां माटी मानुष वाले बंगाल में इस बार खेला होबे पर जोर है, और खेला भी वो जिसमें एक और ममता बनर्जी बड़ी संख्या में मुस्लिम टिकट इस बार काट देती हैं, चंडी पाठ मंच से करती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। मुस्लिम राजनीति के तीखे आरोपों के साथ आगे बढ़ने वाले पश्चिम बंगाल में पहली बार हिंदुत्व की सियासत की होड़ है, यानी खेल हिंदुत्व का है और संघर्ष इस बात का कि कौन बड़ा हिंदू। पश्चिम बंगाल का चुनाव धर्म युद्ध के धर्म कांटे पर तुल रहा है। हर किसी को भरोसा है कि हिंदू वोटों का वजन जिस तरफ जाएगा, खेला में जीत की ट्रॉफी उसी को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में राजनीति की चुनाव परीक्षा क्या आई, सारे तीर्थ धाम जागृत हो उठे। श्री राम के प्रति त्रेताकालीन श्रद्धा के उद्घोष उच्चारित हैं, द्वापर कालीन कृष्ण भक्ति का गुणगान है, माँ दुर्गा की शक्ति के मंत्रोच्चार हैं। दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सा सदा नमोस्तुते। सारे भाव भक्ति को समर्पित हैं, सारी कोशिशें हिंदू श्रेष्ठ बनने की है। जसो देही दिशो जोई, आमियो हिंदू घरेर में, आमार साथे हिंदू कोट खेलते जावेन ना, आमार साथे हिंदू कोट खेलते गेले आगे बोलू अपनी निजे भलो हिंदू किना। चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है, या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण समस्थिता। महारे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही है। ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया, ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अब शब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। एक होड़ लगी है कि कौन किन देवी देवताओं की पूजा पर अपना राजनीतिक पेटेंट पहले करा ले। एक जंग छिड़ी है कि कौन किन भगवान के प्रति अपनी आस्था को रजिस्टर करा ले। मंदिरों के रास्ते अचानक विधानसभा के गलियारे से जुड़ने लगे हैं। बंगाल की वर्तमान राजनीति अद्भुत है। वोट बैंक की तमाम गुस्ताखियों को माफ करने वाली दीदी को कुल गोत्र जाति धर्म संप्रदाय सब याद आ गया। बीजेपी के विकेट पे जाके खेलने की वो कोशिश कर रही हैं। वो ब्राह्मण है ये भी सब जानते हैं उनके बारे में कि वो ब्राह्मण है। वो उनके पिता का नाम भी लोग जानते हैं, उनकी माता का नाम भी जानते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। बंगाल के सीजन लीडर हैं, पिछले 10 साल से वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अपनी खसूसियतों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए बजाय दूसरे का ग्रैब करने के। बीजेपी ने हिंदुत्व के सीमेंट से बनी उम्मीदों की इमारत पर और भी ज्यादा गाढ़ा भगवा रंग पेंट कर दिया है। बीच बीच में जो जयकारे गूंजते हैं वो रणनीति को और भी अधिक स्पष्ट करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो खेला में तीसरा मोर्चा, वो भी जैसे तैसे या ऐसे वैसे करके जो रंग तलाश रहा है वो रंग भी गेरुआ है। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। आई डोंट सी दिस इज द वे टू फाइट बीजेपी। बीजेपी इज परस्यूइंग ऑड हिंदुत्व लाइन। इन ऑर्डर टू काउंटर दैट सम पीपल थिंक दे कैन परस्यू सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन। दिस वे कम्युनल फैसिस्ट फोर्सेस कैनॉट बी फॉट डिफीटेड। ये बंगाल है जहाँ की राजनीतिक सोच झंडों नारों नीतियों नियतों में हरे और लाल रंग का संतुलन होता था या समय समय पर कम ज्यादा होता रहता था। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा भगवा की है। क्या बदल गया, समय या सोच? चुनावों के परिणाम इसका उत्तर देंगे, लेकिन बंगाल बदलता दिख रहा है, भले ही ये बदलाव चुनावी हो। नंदीग्राम को पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में धर्म युद्ध का नया कुरुक्षेत्र माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ है जो महाभारत में था। धर्म है, कर्म है, अपनों के सामने अपने निशाना साधे खड़े हैं और जीत ही एकमात्र लक्ष्य है। नंदीग्राम से जो हिंदुत्व के पांच जन्य का शंखनाद हो रहा है उसकी गूंज अब पूरा बंगाल सुन रहा है। या देवी
महारुद्र के मंदिर में अपनी अपनी अर्जी है और दावा ये कि यही नंदीग्राम की मर्जी है। নন্দীগ্রাম আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম ভুলব না কো নন্দীগ্রাম ভুলতে পারি নিজের নাম ভুলব না কো নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন নমিনেশন ফাইল করেছেন খারাপ হল চিন্তার কোনো কারণ নেই চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনারা একদম নিশ্চিন্তে থাকেন। जीत के दावों से आगे अभी लंबी लड़ाई बाकी है, लेकिन दीदी और शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के बीच बीते नंदीग्राम के तीन दिन काफी कुछ इशारा कर गए। 10 मार्च को जब ममता बनर्जी का नामांकन था, तब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे थे। 11 को शिवरात्रि वाले दिन ममता बनर्जी को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करना था। चोट लग गई, अस्पताल चली गई, लेकिन शिव मंदिर में शुभेंदु पूजा करने जरूर गए। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन दर्ज कराया और नंदीग्राम के सारे तीर्थ नाप लिए। आप भी खूब मंदिर जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी खूब मंदिर जा रही हैं। ममता बनर्जी 10 साल बाद पहली जा रहा है, और हम लोग पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया, अगले साल भी जाऊंगा। अब पता कर लीजिए लोकल पीपल से, नंदीग्राम में जितना भी रिलीजियस प्लेस है उसका साथ शुभेंदु का जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी सबसे बड़ी गलती कर गई जो उन्होंने जय श्री राम के नारे का विरोध किया। तो एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिशें हैं, पर अगर ममता और बाकी विपक्ष ठीक से चलता है तो हो सकता है कि बंगाल की राजनीति में उतना बड़ा परिवर्तन न दिखाई पड़े रीति रीति का। मैं जीत और हार की बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है रीति रीति वही चलती रहे, चुनाव कोई भी जीत सकता है। शुभेंदु के नामांकन पर जय श्री राम के नारे का विस्तार हुआ। दीदी जब आई थी तब हिंदुत्व की परिभाषा का विस्तार कर गई थी। हिंदू कोर्ट खेलते गए आगे बोलूं ना फिर नीचे भालो हिंदू की ना हिंदू धर्म में आदर्श मानुष के भालोबासा। नंदीग्राम से जो निकला वो पूरे पश्चिम बंगाल का चुनावी विमर्श बन गया। वरना सोचिए कि बहस इस बात पर ही क्यों आती कि बीजेपी की आस्था आस्था नहीं चुनावी दांव है। ये सवाल उठता ही क्यों कि दीदी ने चंडी पाठ किया तो वो कितना सही था और कितना गलत। नमस्तस्यै नमस्तस्यै ॐ जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते मधुकैटव विद्याभ्य पिदात्री परदे नमो उपंग देहि जयंग देहि जशो देहि दिशो जयी। ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया, ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जब से बीजेपी ने केंद्र में आने के बाद पश्चिम बंगाल की तरफ रुख किया है तब से वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव तब दिखने भी लगता है जब ममता बनर्जी रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, बंगाल में उनके होने पर मानवता का तर्क देती है, बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ती है। लेकिन जब ममता बीजेपी के नेताओं को बंगाल के लिए बाहरी बताती हैं, तो बीजेपी खुद को पूरे देश की संस्कृति से जोड़ने के प्रयासों में जय श्री राम कहती है। विजय के निश्चय की मुट्ठी बीजे और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। आरोपों की ये थोड़ी थोड़ी लड़ाई अंतिम युद्ध का अंतिम हथियार बन चुकी है। मुस्लिम आबादी का रोल कम नहीं, लेकिन एक मुश्त हिंदू वोट जीत सुनिश्चित कर सकता है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुसंख्यक वोट है
वो तमाम राजनीतिक दलों को मिलता था, वो एक अलग व्याख्या है अगर उसकी व्याख्या हम करें कि कौन सा वर्ग किस पार्टी को देता था। लेकिन मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति को जब एक आक्रामक एजेंडे की तरह आगे बढ़ाया राजनीति में, तो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई। और हिंदू ध्रुवीकरण की जब राजनीति शुरू हुई तो दूसरी पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगा। उस आरोप का जवाब देने के लिए अब ध्रुवीकरण का ये दूसरा दौर शुरू हुआ है। अब जो दूसरी पार्टियां हैं जिन पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता रहा है, खास करके गैर भाजपा पार्टियां, चाहे वो केंद्र की में कांग्रेस हो या राज्यों में क्षेत्रीय दल हो। नंदीग्राम में जो हिंदू मुस्लिम आबादी का समीकरण है, वही समीकरण कमोवेश पूरे पश्चिम बंगाल का है। ये क्षेत्र टीएमसी का गढ़ रहा है। कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन ने यहां से प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया। ममता को पता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ जाएंगे, थोड़े से भी हिंदू वोट साथ आए तो बाजी जीती जा सकती है। शुभेंदु इस क्षेत्र में टीएमसी को स्थापित करने वाले नेता रहे हैं, वो आबादी और मतों के प्रतिशत को अच्छी तरह समझते हैं। नंदीग्राम का परिणाम निश्चित ही बड़ा असर डालेगा और ये भी तय है कि यहाँ से निकले नारे और दांव ही पूरे पश्चिम बंगाल में वोटर्स के बीच मुद्दा बनकर उभरेंगे। बीजेपी पर विपक्षी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि वो धर्म की राजनीति का सहारा लेती है, लेकिन जब ममता मंच से दुर्गा पूजा के दौरान किए जाने वाला चंडी पाठ करती हैं, खुद को धर्म कर्म की शैली से जोड़ने वाला बताती हैं, तो इसके क्या संकेत हो सकते हैं? ये ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी के ब्रह्मास्त्र हिंदुत्व की काट है या अपने वोट बैंक में नए वोटों को जोड़ने की कोशिश? पश्चिम बंगाल के 7 करोड़ में 5.5 करोड़ बंगाली हिंदुओं के लिए ये दीदी का संदेश है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। और शायद ये उनकी एक कोशिश भी है उन आरोपों को धुंधला करने की जिनमें उन पर दुर्गा विसर्जन के ऊपर मुहर्रम के जुलूस को प्राथमिकता देने के आरोप लगते हैं। श्री राम नवमी बारात को हिंसक बताते हुए तुष्टिकरण से जोड़ने के आरोप लगते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगों में एक तरफा कार्रवाई को करने या न करने के आरोप लगते हैं। सरस्वती पूजा के सामने मुस्लिम तुष्टिकरण को वरीयता देने के आरोप लगते हैं। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोला भी आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। अब ममता बनर्जी कहेंगे कि धर्म हमें सिखाएगा बीजेपी, निश्चित रूप से ममता बनर्जी को धर्म बीजेपी ही सिखाएगी, क्योंकि धर्म को नहीं मानती हैं, वो एपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं और माथे पर हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने जाती हैं, ये हिंदू धर्म में संभव नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ममता बनर्जी ये सब काम कर रहा। ये आरएसएस वालों से हमको सीखना नहीं पड़ेगा कि हम पूजा करें कि नहीं करें। बंगाल की जनता जान तय कर चुके हैं कि आने वाले दिन में चुनाव में किसको प्रतिष्ठित करेंगे, किसको लाएंगे, और वो ममता की सरकार फिर से आएंगे। और हर साल माँ दुर्गा से लेके दीपावली से लेके काली से लेके सरस्वती पूजा जिस तरह होते आ रहा है वैसे ही होगा। हम लोग भाईचारा कि ये बंगाल है, ये शांतिपूर्वक बंगाल है, हम लोग सब कोई मिल के एक जगह रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदू हितों की अनदेखी के आरोप लगाती रहती है। ममता बनर्जी ने 2011 में आने के साथ ही 56,000 मस्जिदों की इमामों को 2,500 और अजान लगाने वालों को 1,000 रुपए देना शुरू किया था। बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट गई तो ममता बनर्जी ने राज्य के पुरोहितों को भी 1,000 रुपए देना शुरू किया। लेकिन ममता जब CAA के मुद्दे पर मौलवियों की भीड़ के बीच भाषण देती है तो बीजेपी के लिए मुद्दा बन जाता है। आपने जो रैलियां की उसमें CAA का भी जिक्र आया और बंगाल को लेकर CAA का मामला हमेशा से तूल पकड़ता रहा, तनाव उसमें बढ़ता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो नहीं होने देंगे। और आपने
आज एक बार भाई अब उनको करना भी नहीं है, हमें करना है बाद में, अप्रैल के बाद उनको नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूं। सरकार बदल जाएगी, अब उनको कहां करना है? देखिए, देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून है और इसका इंप्लीमेंटेशन होना है और शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इशू को आप इस इलेक्शन में कैसे देखती हैं? बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं हमको पता नहीं है आज क्या बोला है उन्होंने, कुछ बोला है कि वैक्सीनेशन का बाद होगा। कौन वैक्सीनेशन का बाद? इलेक्शन वैक्सीनेशन का बाद रूल होगा बोलता है। इलेक्शन वैक्सीनेशन का बाद पब्लिक का कब वैक्सीनेशन होगा, क्या मतलब है? वो तो देता ही नहीं है किसी को। ओनली सपोज इन माई स्टेट वी हैव 10 crore पीपल, वी हैव गॉट ओनली 3 lakh, मीन्स 1.5 lakh, वैसे ही है 1.5 lakh हेल्थ वर्कर्स पुलिस इसको मिला के, कोई पब्लिक को तो नहीं दिया। और पब्लिक को देगा कि नहीं देगा इसका मालूम भी नहीं है। चुनावों के दिन है, ममता बनर्जी को आशंका है कि एक मुश्त टीएमसी को मिलने वाला मुस्लिम वोट बैंक कहीं बंट न जाए। ममता को मालूम है कि जितने हिंदू वोट मिलते थे इस बार उससे ज्यादा चाहिए, इसीलिए वो बांग्ला संस्कृति की ढाल लेकर बीजेपी के जय श्री राम को भी निशाने पर लेने से नहीं चूकते। राम किसको पूजा किया था? दुर्गा पूजा किया था, हम दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा की जब बात आती है तो ममता को थोड़ा अतिरिक्त हिंदू होना ही पड़ता है। बंगाल की चुनावी लड़ाई जब शुरू हुई थी तब बंगाली वर्सेस बाहरी, विकास वर्सेस तुष्टीकरण, दीदी वर्सेस दादा, केंद्र वर्सेस राज्य, कितने ही मुद्दे निकलकर सामने आए। उन मुद्दों पर बहस भी खूब हुई, लेकिन जैसे जैसे प्रथम चरण का मतदान करीब आ रहा है लड़ाई धार्मिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति रिवाजों तक पहुंच रही है, या कह सकते हैं कि उससे भी आगे जा रही। दीदी ने अपनी राजनीति बदल दी है या बीजेपी ने बदल दिया है चुनावी खेला? बीजेपी को मालूम है कि क्लास, कास्ट और वोट बैंक की राजनीति में एक बड़ा वर्ग पश्चिम बंगाल का कई दशकों में ऐसा भी तैयार हो चुका है जो अपनी आस्था या विश्वास संबंधी मांगों को लेकर निराश नजर आता है। बीजेपी ने मतुआ संप्रदाय, राजवंशी जैसे समूहों में मजबूत पैठ बनाने का प्रयास किया है। ये वोट बैंक 2019 में अपना कमाल दिखा चुका है। फरवरी को अमित शाह की रैली हुई, लेकिन जब अभिषेक बनर्जी को 25 तारीख को यहां रैली करनी थी तो उन्हें थोड़ा दूर जाना पड़ा क्योंकि यहां के खेत में अचानक धान की फसल नजर आने लगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के महापुरुषों की जीवनियों को प्रचार के जरिए नवीनीकरण करके तथा कथित भद्रलोक के संभ्रांत हिंदू वर्ग के बीच भी अपनी एक जगह तेजी से बनाई। एक एक करके हिंदू मतदाताओं के गढ़ पर भगवा को फेरते देख ममता ने अगर हिंदुत्व को मुद्दा बनाने की कोशिश की है तो इसकी एक साफ दिखने वाली वजह भी है। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिले 17% वोट, 2019 में 40% हो गए, जो टीएमसी से सिर्फ 3% कम है। बीजेपी को मिले कुल वोटों में 57% वोट हिंदुओं के थे और सिर्फ 4% मुसलमानों के, जबकि ममता को 70% वोट मुसलमानों के मिले और हिंदुओं के 32%। बीजेपी को मिले वोटों में एक बहुत बड़ी संख्या उन हिंदुओं की भी है जो गैर बांग्ला है, इनमें बिहार और असम से आए लोगों की बड़ी संख्या है। बीजेपी ने इन गैर बंगाली हिंदुओं को भाषा और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर खुद से जोड़ा है और यही उसकी ताकत है। बीजेपी की चुनौती इस बार कड़ी है, उसे हिंदू मतदाताओं की एकजुटता और मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे पर भरोसा है। ममता बंगाल के गणित को समझते हुए थोड़ा है थोड़े की जरूरत है कि तर्ज पर वोटों की आस लगा रही है। जो फुरफुरा शरीफ की सियासत से मुस्लिम वोट कटे वो हिंदू सहानुभूति से थोड़ा जुड़ जाए और नैया तीसरी बार पार हो जाए, लेकिन बीजेपी की ये सबसे मजबूत पिच है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वालों का दावा रहता है कि यहां क्लास पॉलिटिक्स होती रही है। कुछ का दावा है कि कास्ट पॉलिटिक्स भी पिछले एक दशक में खूब पनपी है, लेकिन जब बात धर्म की राजनीति की आती है तो पश्चिम बंगाल पर मुस्लिम राजनीति के वर्चस्व की बात होती है। हिंदू वोट बैंक की राजनीति पश्चिम बंगाल का शायद नया चलन है।
अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है? क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते तो ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। ये चुनावी भविष्यवाणी थी या जनता के मिजाज को समझने का अनुभव, लेकिन इसके केंद्र में हिंदुत्व है, वही हिंदुत्व जिस पर दीदी की अपनी अलग परिभाषा है। I am also Hindu. I will not take certificate from BJP that I am Hindu A or I am Hindu B or I am Hindu C or I am Hindu D or I am Hindu Z. I am Hindu, I am also Hindu. You compare, you, if you can catch me, sit, discuss, I will give you the what is Hinduism and you realize me. जिस कांग्रेस को लेफ्ट ने बंगाल से खत्म किया, वो कांग्रेस इन दिनों लेफ्ट की तथाकथित जाति धर्म विरोधी राजनीति में फुरफुरा शरीफ की मुस्लिम राजनीति के साथ है, लेकिन हिंदुत्व की बात आते ही कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली बात को चरितार्थ करने से गुरेज नहीं। मैं तो कहता हूँ बाहरे मोदी, आपने कमाल किया। गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी को कोर्ट पर जनेऊ पहना दिया, मंदिर मंदिर घुमा दिया, और बंगाल के चुनाव में दीदी को, जो दीदी कल तक मूर्ति विसर्जन में कोर्ट का सहारा हिंदुओं को लेना पड़ रहा था, आज कह रही है मैं भी हिंदू हूँ। बाहर मोदी, ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पड़ती कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। दीदी हो या दादा, क्या जरूरत पड़ गई है सबको अचानक से खुद को हिंदू घोषित करने की? दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में अग्नि जातियों में ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ मुख्य रूप से आते हैं। कुल हिंदू आबादी में ये लगभग 20% है, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इनका वर्चस्व पश्चिम बंगाल पर रहा है। बड़ी संख्या ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों की। अब तक पश्चिम बंगाल में सोच ये रही कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, लेकिन बीजेपी ने 2014 में एंट्री मारी तो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के साथ। अभी तक पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सोच से हिंदू ध्रुवीकरण नदारद था। 2014 में बीजेपी को अग्नि जातियों के 24% वोट मिले, जबकि टीएमसी के पास ये वोट 38% गए। 2019 में यही अग्नि जातियों का वोट बीजेपी को 57% मिला, जबकि टीएमसी के पास घटकर 31% रह गए, यानी बीजेपी ने दोगुने से ज्यादा की उछाल पाई। आइए अब आपको बताते हैं कि मौलवियों, मदरसों के बीच गहरी आस्था जताने वाली दीदी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो ब्राह्मण है। 2011 में टीएमसी के साथ ब्राह्मण वोट 51% थे, बीजेपी के साथ सिर्फ 5%, लेकिन 2019 में टीएमसी के साथ ये सिर्फ 29% रह गए और बीजेपी को 47% वोट ब्राह्मणों के मिले। इसी तरह कायस्थ वोट 2011 में टीएमसी के साथ 49% थे, बीजेपी के पास सिर्फ 8%, लेकिन 2019 में ये वोट टीएमसी के साथ सिर्फ 24% रह गया, जबकि बीजेपी के साथ 65% जुड़ गए। ये तेजी ही बीजेपी के चेहरे पर चमक लाती है। इसी तरह से अगर अन्य हिंदू वोट देखें तो तस्वीर और स्पष्ट होती जाती है। 2014 में 21% ओबीसी वोट बीजेपी के पास गए और टीएमसी को तब 43% वोट मिले। 2019 में बाजी पलटी, बीजेपी को 65% ओबीसी वोट मिले, यानी 3 गुने अधिक, और टीएमसी को सिर्फ 28%। एससी वोट देखें तो 2014 में बीजेपी को 20% मिले, टीएमसी के साथ 40% लोग गए। 2019 में पूरा चित्र बदल गया, बीजेपी को मिले 61% एससी वोट, यानी 3 गुना अधिक, टीएमसी को सिर्फ 27%। एसटी वोट 2014 में बीजेपी को मिले 11%, टीएमसी को 40%, लेकिन 2019 में बीजेपी के साथ आए 58% और टीएमसी के साथ रह गए सिर्फ 28%।
हम मुसलमान वोट जरूर 2014 में बीजेपी को 2% मिला, 2019 में 4%, लेकिन टीएमसी के साथ 2014 में 40% मुसलमान वोट थे जो 2019 में 70% हो गए। ममता बनर्जी को ये पता है कि हिंदू वोट धीरे धीरे एकजुट होकर बीजेपी के साथ जा रहा है, लेकिन उन्हें अपने स्टाइल के हिंदुत्व से ये उम्मीद भी बंधी होगी कि अगर वो हिंदू वोट को थोड़ा थोड़ा बांटने में कामयाब हो सके तो बात बन सकती है। निश्चित तौर पर नतीजे ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करेंगे, लेकिन वोटों की राजनीति से अलग हिंदुत्व का उभार पश्चिम बंगाल को कितना बदल सकेगा, यह सवाल आगे भी जरूरी बना रहेगा। और एक सवाल यह भी कि हिंदुत्व की राजनीति आज चरम पर है या आज वो पहचान की लड़ाई के साथ जुड़कर बंगाल में नए युग का सूत्रपात कर रही है। वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में हुई हुगली की रैली में बंकिम चंद्र चटर्जी का उल्लेख किया तो इसके कई मायने एक साथ जुड़ गए। एक, बीजेपी बंगाल राजनीति में महापुरुषों की अनदेखी के आरोपों को मजबूती से उठा पाती है। दूसरे, आजादी के बाद और पहले पनपे पश्चिम बंगाल के सांप्रदायिक वातावरण के लिए सत्ता को तुष्टिकरण के कटघरे में खड़ा कर पाती है। राम जन्मभूमि का शिलान्यास था, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे, उस दिन यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उससे 5 दिन पहले मुहर्रम था, उस दिन इजाजत दे दी गई। यह है ममता जी की तुष्टीकरण और यह है परिवर्तन। मई महीने में परिवर्तन आएगा, ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। बंगाल की पहचान आजादी के आंदोलन से पहले राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लेखकों और सुधारकों की वजह से हिंदू नवजागरण की रही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद बंगाल में जैसे जैसे वामपंथ का उभार हुआ, बंगाल का पुराना गौरव और पुराना होता गया। बंगाली भद्र लोग अपने लेखकों या सुधारकों के प्रति बंगाली जनता की निष्ठा का अनुमान दीदी को भी अच्छी तरह है। ये पूरा क्षेत्र भारत की आजादी का, भारत की संस्कृति और भारत के ज्ञान विज्ञान का एक प्रकार से तीर्थ है। महर्षि अरविंदो, मोतीलाल रॉय, रास बिहारी बोस, विपिन बिहारी गांगुली, कन्हैयालाल दत्त, उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, अनगिनत ऐसे महान व्यक्तित्व को नाता इस धरती से है। बीजेपी खुले तौर पर यह स्वीकार करती है कि किसी भी स्थान की सांस्कृतिक पहचान को ऊपर उठाना राजनीति का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसी के चलते परिवर्तन यात्रा के दौरान अमित शाह श्री अरबिंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय से संबंधित स्थलों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस घोषित करते हैं तो उसमें राजनीति कितनी भी हो लेकिन संभ्रांत बंगाली के लिए वो निजी गौरव से जुड़ता है। हालांकि इस तरह के आयोजनों पर राजनीतिक टीका टिप्पणी होना भी स्वाभाविक है। They requested us, they have sent the invitation for this their Victoria Memorial program that I accepted because I have done my state program also. You know, lakhs of people they join the rally because Netaji, we are proud of him. And we have celebrated that day as a Desh Nayak Divas. Even they should have asked me that what Bengali language will shoot. Parakram Divas, what Parakram Bhagwan Jani. BJP के लिए बंगाल अभी तक एक अविजित राज्य है और उनके वैचारिक संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अधूरे सपनों की जमीन भी। बंगाल जीते बिना बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पूरा नहीं हो सकता
और हिंदू वोट उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहा करते थे कि जो बंगाल आज सोचता है पूरा देश आने वाले कल में वो सोचेगा। लेकिन आज की राजनीति में क्या वाकई बंगाल इसी कहावत पर खरा उतर रहा है या बंगाल वो सोच रहा है जो देश पहले ही सोच चुका था। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद 2017 में बीजेपी ने एक सर्वे कराया था और उसकी रिपोर्ट के बाद से वो ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों को लेकर मुखर हो गई। 2017 यानी वो साल जब ममता बनर्जी सरकार ने मुहर्रम के चलते दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाई थी, इसी साल फेसबुक पर एक लड़की की धार्मिक पोस्ट के चलते बशीरहाट और बादुड़िया क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। बीजेपी ने ममता सरकार पर तभी से सबसे संगीन आरोप तुष्टिकरण के लगाने शुरू किए और इसे बंगाली हिंदू संस्कृति के साथ पक्षपात से जोड़ा। ঠিক আছে আমরা করে আবার মিটিং করব, কারণ খারগে জি আছে जब ममता बनर्जी ने 2019 के आम चुनावों से पहले बीजेपी और मोदी विरोधी मोर्चे की अगुवाई की तो तुष्टिकरण के आरोपों वाली बात बीजेपी के लिए सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में काम आई और नतीजा ये हुआ कि पूरे देश समेत पश्चिम बंगाल का सियासी नक्शा बदलने लगा। यानी तब जो देश ने सोचा, क्या पश्चिम बंगाल इस बार वही सोच रहा है? ये सवाल चुनावों के परिणाम आने तक सवाल ही रहेगा। फिलहाल 8 चरणों में चुनाव होने, चरण चरण रण की रणनीति बदलनी। ये कहा जरूर जाता है कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। राजनीति हमेशा धर्म और मजहब के तराजू पर अपने वोटों को तौलती रही, पश्चिम बंगाल भी उससे अलग कैसे हो सकता है? आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।